नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइनूर और आप देख रहे हैं नूर हब। आज एक नया वीडियो है, आज एक डिजिटलाइज सिग्नेचर को कैसे अप्रूव कर सकते हैं वो देखेंगे। पहले आपको इसके लिए आपको पहले एडोब रीडर जो सॉफ्टवेयर है उसका जरूरत है, तो मेरा स्क्रीन का स्टेप फॉलो कीजिए, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर जो सिग्नेचर है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में जाइए। उसके बाद जो है शो सिग्नेचर्स सर्टिफाइड, ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सिग्नेचर का नाम पूरा डिटेल्स है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट में जाइए। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, सीधा नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद जो फील्ड है कुछ मत फिलअप कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिर यस कीजिए, फिर से आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ब्राउज में कुछ सेव करना होगा, वो आप डॉक्यूमेंट्स में ही कर दीजिए सेव। उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट बटन के क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स है कौन से कहाँ पर आप सेव हो रहा है। उसके बाद फिनिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया पूरा डिटेल्स, फिर से चला आया। उसके बाद ट्रस्ट में जाइए, देन ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफाइड, वो पर क्लिक कीजिए। एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर ओके कर दीजिए। ये जो ओपन होगा, यहाँ पर आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है। उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कीजिए, देन फिर से यहाँ पर ओके में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपका सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप चेक कर सकते हैं ठीक से हुआ कि नहीं, देन क्लोज कीजिए और आपका जो सिग्नेचर है वो वेरीफाइड हो जाएगा, ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके मतलब है ये वेरीफाइड हो गया। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।